कोर सब्जेक्ट मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, छत्तीसगढ़ का जो जनरल स्टडीज़ है। केवल आपको ना 230-40 दिन पूरी ईमानदारी से बैठना है, उसके बाद नहीं बैठना पड़ेगा। 5 से 6 घंटे निकालने का प्रयास करें डेली बेसिस में, उसमें से एक आध घंटे आप ऑफिस में भी निकाल सकते हैं। अगर आप सच में चाहते हो कि आपको जॉब के साथ प्रिपरेशन करना है, तो आपको पहले अपने ऑफिस से थोड़ी सी बगावत करनी पड़ेगी, रहते हुए नहीं। उसके लिए एक हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेंस आंसर राइटिंग एंड टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, ठीक है। और जो मॉडल आंसर होगा वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट होगा। ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो जो आपके आप लोगों को जो बेसिक लग रहा है डाउट वो बता दो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे हम लोग चलेंगे। चलो सबको बता दो भाई, जिसको जो भी पूछना है पूछ सकता है, कुछ नहीं पूछना मत बोलना, बता दो, ठीक है। इधर हाँ हाँ बताओ। पोस्ट की, हाँ ठीक ठीक ठीक। अदर एग्जाम वर्सेस पीएससी, नहीं मतलब वही चूज तो वही करना है ना दोनों में से एक। हाँ ठीक है, वो उसी कैटेगरी का है, ये कैटेगरी वही है। हाँ एक क्वेश्चन हुआ और मेरे को पहले यही होना चाहिए लगा था क्वेश्चन दूसरा। क्या 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 इसके बाद हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, टाइमिंग वगैरह तो वो तो अभी बता ही रहा हूँ। अच्छा व्हाट इज़ प्लान, ठीक है प्लान क्या हमारा ना, व्हाट इज़ प्लान, प्लान क्या है उसके बारे में बात कर, ठीक है। और पूछ लो फटाफट पूछ लो, फिर मैं कवर करूँगा। ऑनलाइन आप लोग भी पूछ सकते हैं। हाँ बताओ, आप अभी चालू किया पीएससी प्रिपरेशन, कितना दिन हुआ है? चार दिन हुआ है। अरे वाह, 4 दिन हुआ है, तो अभी आप क्लासेस करो अच्छे से। जो भी आपकी क्लासेस हो रही होंगी, क्लासेस में हो, ज्वाइन कर रखे हो, हाँ तो क्लास को अच्छे से करिए और बेसिक किताबों को पहले भी पढ़ लीजिए, है ना। अभी आपको उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और अभी टेस्ट वेस्ट ज्वाइन मत कर लेना बहुत सारा, अभी पहले पढ़ाई कर लो अच्छे से। एक ही बार में नहीं दौड़ जाना है सब चीज़, गिर जाओगे आप पट के, ठीक है। आराम से दौड़ेंगे पहले, धीरे धीरे, फिर चलना सीखते हैं ना फिर दौड़ेंगे। पहले ही दिन दौड़ना सीख गए गलत हो जाएगा, तुरंत ना पड़ जाओगे ना, मुँह से खून निकल जाएगा। ओके, घर ऐसे गिरेगा ना मुँह के बाहर, इसलिए। हाँ आप बताओ कुछ है। अच्छा ठीक ठीक, री आंसर राइटिंग मतलब आपने एक बार हमारे पास आंसर राइटिंग क्लास किया है, और क्या फिर से आंसर राइटिंग क्लास करनी चाहिए या नहीं, ठीक है। हाँ सर, प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लीज़। स्ट्रेटजी तो वही तो बात, अभी मैं क्या बात कर रहा था अभी तक, मैं वही तो बताया था कि 3 फेज में डिवाइड करके कैसे पढ़ना है। और हाँ वो प्लान बताऊँगा ना, प्लान क्या है। नितेश परमार, सर जॉब के साथ प्रिपरेशन कैसे करें, स्पेशली मेंस का स्क्रैच से करना हो तो। वेरी गुड, जॉब एंड मेंस। पहले क्वेश्चन मैं एक बार कलेक्ट कर लूँ एक साथ, फिर सबका आंसर दूंगा। हाँ और पीछे आप लोग, कोई डाउट नहीं, सब क्लियर है। हाँ क्वेश्चन में आ गया आपका क्वेश्चन, इधर आपका, जी जी आप, हाँ हाँ प्री को लेते हुए मेंस को कैसे तैयार करें। अच्छा ठीक, वो तो अभी बात कर ही रहा था मैं, प्री प्लस मेंस जॉइंट प्रिपरेशन कैसे करना है। और पीछे इधर किसी को बाकी यही क्वेश्चन है सबके, हाउ टू मेक नोट्स वीना। अरे बहुत अभी तो बहुत है। BIA की इंग्लिश मीडियम की ब्रांच रायपुर में है, सॉरी बिलासपुर पे ही है, रायपुर पे नहीं है, एंड इन नियर फ्यूचर रायपुर पे जाएगा भी नहीं। और मैं थोड़ा सा फ्रेंचाइजी वगैरह बिजनेस करना नहीं चाहता। कई लोग मेरे को कांटेक्ट किए थे कि सर BIA का रायपुर में ब्रांच का फ्रेंचाइज तो मैं नहीं दे सकता, बिकॉज आई वॉन्ट कि जो ओरिजिनल है वही पढ़ाएं, ठीक है ना। अगर मैं वहाँ पर खुद नहीं जाकर डिलीवर कर पाऊँगा तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोचिंग के नाम पर कुछ और चीज़ें खराब हों। तो फिलहाल नहीं है, इन फ्यूचर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, अगर चीज़ें इंगेज हो पाएँ और कंटेंट्स पे तो देखेंगे, बट फिलहाल नहीं है। ऑनलाइन है, ऑनलाइन हर एक चीज़ में अवेलेबल है, तो आपको मिल जाएगा। सुमन टोपो, सर मेरी मेंस की 40% ही प्रिपरेशन है, ऐसे में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना सही होगा।
अगर आपका वो 40% प्रिपरेशन, 40% वाले भी हैं और 60 वाले भी हैं दोनों, तो अगर ये प्रिपरेशन आपका बेसिक या कोर सब्जेक्ट्स हो चुका है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, ये सारी चीज़ें, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर कोर नहीं हुआ है तो फिर मत करिए। कोर सब्जेक्ट मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकॉनमी, पॉलिटी, छत्तीसगढ़ का जो जनरल स्टडीज़ हैं, ये कोर है हमारे यहाँ के CGPSC के लिए। तो अगर इन सब्जेक्ट की आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, इनकी नहीं हुई है तो मत करिए, पहले तैयार करो इनको। आपको हिस्ट्री पता ही नहीं है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए क्या मतलब है? छत्तीसगढ़ का आपको मैप बनाने नहीं आ रहा, आप ज्वाइन कर लिए गलत है। पर अगर हाँ, तो जिनका भी कोर सब्जेक्ट है वो ज्वाइन कर सकते हैं। कोर कोर सब्जेक्ट मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ क्या क्या है, हिस्ट्री दोनों की, छत्तीसगढ़ उसकी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, ये चार सब्जेक्ट एकदम से अच्छे से होना चाहिए इंडिया लेवल पे। इन्वॉल्वमेंट वगैरह छोटे सब्जेक्ट्स में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अंकित तिवारी सर, टेस्ट सेंटर अंबिकापुर में होगा क्या? अंकिता तिवारी, आप ही ओपन कर लो, हम बिल्कुल चले जाएंगे, टेस्ट सेंटर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर कंसल्टिंग विथ फ्यू पीपल्स फॉर अंबिकापुर, अगर हो पाएगा तो डेफिनेटली जाएंगे फॉर टेस्ट, बट क्लासेस वहाँ नहीं हो पाएंगे। ओके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, और इधर आपका CGGS, छत्तीसगढ़ की जनरल स्टडीज, CGGS। ये छत्तीसगढ़ PSC के लिए क्या है, कोर है। तो ये सब्जेक्ट अगर आपका तैयार है, इफ़ यू हैव प्रिपेयर दिस, इन सब्जेक्ट को आपने पढ़ लिया है, तो जरूर टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। बाकी सब्जेक्ट टेस्ट के साथ कवर हो जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट टेस्ट के साथ धीरे धीरे कवर होते चलेंगे। पर अगर इसको ही नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ो पहले। आप बोलोगे मेरे को हिस्ट्री और कल्चर नहीं पता और मैं फिलोसफी समझ जाऊँगा, नहीं समझ पाओगे, तो ये ज़रूरी है। तो जिसका भी इसमें दिक्कत है वो यहाँ पर आएंगे। अब इन कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, बाकी जिनको और डाउट होगा प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस। फर्स्ट है अदर एग्जाम वर्सेस PSC, कि सर जो बाकी एग्जाम आएंगे अदर एग्जाम और PSC, इन दोनों पे क्या चूज करना है, क्या नहीं करना है इस स्थिति पे जब मुझे PSC देना ही देना है। ये नहीं है कंडीशन कि मैं दूसरा एग्जाम दे के खुश हूँ, कंडीशन क्या है ये बता रहा हूँ, हर बच्चे की कंडीशन क्या है। अभी यहाँ पर कंडीशन नंबर, इसमें कई कंडीशन है, कंडीशन वन बोलता है कि ये तो मैं दूंगा ही दूंगा, डेफिनेटली डेफिनेटली आई विल गिव, और सपने में तो मैं भी डिप्टी कलेक्टर हूँ, क्योंकि मन तो वही है। बाकी एग्जाम इसलिए दे देना है क्योंकि अभी पीयर प्रेशर है या फैमिली प्रेशर है या मनी प्रेशर है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, उम्र हो जा रहा है, कहीं शादी का उम्र ना निकल जाए, ऐसा बहुत सारे हैं छोटे छोटे। डिप्टी कलेक्टर 40 में भी बन जाओगे, उस दिन भी एक लड़की शादी कर लेगी आपसे, और लड़की है तो कोई भी लड़का शादी कर ले क्योंकि आप डिप्टी कलेक्टर हो उस दिन। इतना इसके लिए तो टेंशन मत लेना कि अगर आप इधर से एक भी पद निकाल लोगे ना 40 की उम्र में भी ना, तो उस दिन भी सबकी शादी हो जाएगी, क्योंकि आपका कैलिबर प्रूफ हो गया पहला चीज़। तो उसको सब चीज़ों को मत बनाना अपना कंडीशन पर। हाँ, दूसरी कंडीशन पर बात करते हैं। कंडीशन ये होगा, वो सब नहीं, जो इनका कंसर्न है मैं समझ रहा हूँ, ये कंसर्न ये है कि क्या इधर प्रिपरेशन करेंगे और इधर भी प्रिपरेशन करेंगे तो दोनों के बीच में सर बैलेंस कैसे होगा, ऐसा ना हो जाए कि इसके चक्कर में वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या उसके चक्कर में ये कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। ये वाला क्वेश्चन है तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बाकी जो क्वेश्चन है कि भैया घर परिवार वो सब, वो सबको बात कर लेते हैं, पहले बैलेंस को समझते हैं। अब देखो, इन दोनों एग्जाम को वो फाइट करें, ऐसे बच्चे को फाइट करना चाहिए इन दोनों एग्जाम को जिनका PSC का कम से कम पूरा सिलेबस कंप्लीट है, उन्होंने पढ़ रखा है, वो एटलीस्ट 2 से 3 साल दे चुके हैं, कम से कम 2 साल तो दे दिया है, दोज हु हैव गिवन 2 ईयर्स, पहली बात, जिनका 2 साल हो चुका है यहाँ पर अच्छे से, पूरा सिलेबस उन्होंने पढ़ा है, मतलब इनका सिलेबस इन लोगों ने 90-100% कम्प्लीट है, बहुत हल्ला हो रहा है वैसे, कोई दिक्कत नहीं। जिनका इतना क्या है प्रिपरेशन पहले से क्लियर है, वो लोग इसमें आ सकते हैं दोनों एग्जाम को बैलेंस करने के लिए। कैसे बैलेंस करना भी बताता हूँ। दूसरी बात, वे लोग जो मेंस ऑलरेडी अभी दे रहे हैं वो दोनों में जाएं, कोई बात नहीं, उनके लिए अच्छी बात है। तो जो प्रिपेयर्ड हैं, जो पहले से PSC के लिए प्रिपेयर्ड हैं, कंटेंट है उनके पास, वो जा सकते हैं। अब जाओगे कैसे, इसको बैलेंस करना, बैलेंस करते समय डर लगेगा पर डरना मत। दोनों एग्जाम में क्या करोगे, फाइंड द कॉमन्स। अब जब कोई भी एग्जाम दोगे तो उसका कॉमन्स को निकालो, फाइंड द कॉमन्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि अभी क्या करना है आपको, अगला एग्जाम मान लेते हॉस्टल वार्डन,
अभी एग्ज़ाम जो पहला है हॉस्टल वार्डन है, फिर शिक्षक भर्ती और जो भी आएगा, और कुछ एकदम अदर स्पेसिफिक एग्ज़ाम होंगे उनको मैं नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। मान लेते हैं हॉस्टल वार्डन, ACF, फिर उसके बाद ADO, RHEO, उसके बाद आप बोल दो कि क्या बोलते हैं CMO का एग्ज़ाम है, ऐसे एग्ज़ाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जो स्पेसिफिक सेट नेट वाला है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग डोमेन होता है। जो दो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, एक व्यापम का एग्ज़ाम है, एक PSC का, या PSC का ही कोई छोटा एग्ज़ाम है जो स्टेट PCS को छोड़कर। अब इसमें क्या करना है, हम लोग को कॉमनलिटीज़ मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ कॉमन मिलेगी। देखो तीन चीज़ें एकदम डेफिनेटली कॉमन मिलेगा। पहला छत्तीसगढ़, मतलब पहला तो मिलेगा लैंग्वेज, सब चीज़ पहला कॉमन क्या मिलेगा, लैंग्वेज, भाषा। डिग्री ऑफ डेप्थ अलग होगी पर एकदम भाषा कॉमन होगा, दोनों में आएगा। कोई भी एग्जाम हो जाए छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को पूछाता है और CGPSC में वो है, समझ आ गया। दूसरी बात, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा होगा, ऐसा बता रहा हूँ। और नए पोर्शन से रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब आएंगे, क्योंकि अब नई जो नई जनरेशन है उसके हिसाब से सिलेबस मोल्ड करेगा, जैसे MPPSC में किया, अगर वैसा होता तो कुछ होगा। तो देखो ये क्या है, ये कुछ कॉमन है, और इसके साथ साथ आपको पता है कि CGGS सब में आता है, छत्तीसगढ़ GS आएगा ही आएगा, वो तो लगभग रहता ही है। और इन पोर्शन को डेली निरंतर 2 घंटे पढ़ना चालू कर दो, 2 आवर्स डेली, 2 घंटे रोज पढ़ा करो, और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना। तो मेरा ऑब्जेक्टिव का टाइम मैंने कितना दिया था, 3 घंटे दिए थे, उसमें से 2 घंटे यहाँ एंगेज हो गए, 2 घंटे यहाँ एंगेज हो गए। ये 2 घंटे वो पढ़ पाएंगे ना जिनका प्रिपरेशन है, जो भले कि कितना भी पद आने दो, चाहे 1000 पद आने दो, लेकिन मत करो अगर आपको ऐसा सोच कर आए हो तो PSC अच्छे से तैयार करो। आप बहुत छोटे हो, 21-22 साल को, दिक्कत नहीं है, जो बड़े हैं वो ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप एग्ज़ाम देखोगे इसको मिलाकर वो लगभग 50-60% जो सिलेबस होगा वो कवर हो जा रहा होगा। फिर इधर आप अपना बाकी टाइम पे, तो वो 2 से 3 घंटे को निर्धारित करना होगा कि भाई मैं इसको सुबह 6 से लेकर 9 बजे तक पढ़ूंगा बस, और 9 बजे बंद कर दूंगा, मतलब कर दूंगा, 9 बजे के बाद नहीं देखूंगा उसको। हाँ, फिर जिस दिन इसका एग्ज़ाम आ रहा होगा, तो सपोज करो ये कोई एग्ज़ाम है, अभी एग्ज़ाम मान लेते 15 तारीख को और आपने 5 तारीख तक, हाँ लास्ट में जो 2 हफ्ता होगा, लास्ट के 2 वीक लगभग 15 दिन का समय होगा, इस 15 दिन इस टाइम को थोड़ा सा पढ़ा लेना, 3 घंटे पढ़ते थे 4 गए, 5 घंटे पढ़ लेना, पर इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, इसका समय बढ़ाकर अपनी पढ़ाई के आवर्स को बढ़ाना, इसको मत ख़त्म कर देना। इसको अगर आप 8 घंटे रखे हो तो 8 घंटे चलने देना, इसमें समय बढ़ाना कि भाई एग्ज़ाम के समय में PSC के भी 15 घंटे पढ़ोगे, तो जब आप व्यापम का भी एग्ज़ाम आए तो 15 घंटे पढ़ो। तो अगर आप रोज बेसिस में 3 घंटे कम पढ़ रहे थे, 3 घंटे और पढ़ो, बाकी चीज़ों को अवॉइड करो। तो इसको इस तरीके से प्लान कर करना, क्यों? क्योंकि यहाँ जो पढ़ोगे ना वो इधर कोई भी एग्ज़ाम हो सब में काम आ रहा होगा, हर एग्ज़ाम में वो कंटेंट आपका काम आएगा। तो आप अपने दिन को ऐसे डिवाइड करिए और ऐसे बैलेंस करिए, इस तरीके से आपको जाना चाहिए। नहीं तो फिर दूसरा तरीका है कि फिर आप पूरा उसमें स्विच करिए, पहले निकाल लीजिए फिर आइए इधर, फिर शायद PSC आपको एक्सेप्ट कर ले, या तो दूसरा तरीका ये है। पर मेजॉरिटी बच्चे वो निकालते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो व्यापम हो चाहे PSC हो, जिसने PSC का मेंस दिया या PSC की तैयारी की है, वही बच्चे निकालते हैं सारा एग्ज़ाम। मैंने बहुत सारे अभी रेगुलर एग्ज़ाम हो सब में देखा, क्यों निकालते हैं ऐसा, क्योंकि उनका मेंस और उसके बाद जो पढ़ते हैं जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है वो इतनी हो जाती है कि हर एग्ज़ाम में वही आता है। किसी भी एग्जाम में हिस्ट्री आएगा तो PSC में आपने डिटेल में पढ़ रखा है, किसी भी एग्जाम में ज्योग्राफी आएगा डिटेल में पढ़ा है, छत्तीसगढ़ GS डिटेल में पढ़ा है, तो वो काम अपने आप आ जाता है। तो अगर आपकी 2 साल की प्रिपरेशन नहीं हुई अच्छे से, 2 ईयर्स, और आपने पूरा अच्छे से चीज़ों को नहीं कवर किया, तब तो आप एक्सपेरिमेंट मत करना। पर अगर आपने 2-2.5 साल बिता दिए हैं तो आप एक टाइम बना लो अपने डेली बेसिस में पढ़ाई का, 3 घंटे का या 2.5 घंटे का, जहाँ पर आप उसकी प्रिपरेशन करते हो, और उसके साथ साथ अपने प्रीलिम्स को सिंक करके रखना, उसके साथ अपने प्रीलिम्स को सिंक करके रखना कि हाँ ये चीज़ों को मैंने पढ़ लिया। आप सपोज करो आपने हॉस्टल वार्डन के लिए CGGS पढ़ लिया, CG हिस्ट्री है उसमें, छत्तीसगढ़ का इतिहास को यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया, यहाँ पर पहला टेस्ट क्या है छत्तीसगढ़ का इतिहास, ये पहला दूसरा टेस्ट खत्म हो गया आपका। हॉस्टल वार्डन का पहला एग्जाम जो आया है वो क्या है, हॉस्टल वार्डन है। हमारे यहाँ पर पहला टेस्ट क्या रखा है, हमने CG हिस्ट्री, हमने पेपर 7 से चालू नहीं किया है, हम वो बेवकूफ़ी करना ही नहीं चाहते जहाँ पर बच्चों का क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। हम पेपर 7 को पीछे रखें, क्यों? कि बीच में सिलेबस बदल गया गलती से, तो हमको भी मौका मिल जाएगा कि हम जो नया चीज़ है वो पढ़ा दें, दैट विल ऑल्सो हेल्प अस ना। अभी हम शुरू में पेपर 7 का रख दिए हैं टेस्ट, तो क्या होगा, जो चीज़ें नहीं आनी उसका टेस्ट रख दिए, क्या मतलब है, गलती से अगर बदल गया तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है।
हम उस चीज़ पे काम करेंगे जहाँ पर आपको ज़रूरत है। तो देखो पहला, इसलिए हमने सबसे पहला टेस्ट क्या रखा है, हिस्ट्री है। हॉस्टल वार्डन के सिलेबस से पहला क्या है, हिस्ट्री है। तो आपका वो हिस्ट्री कवर हो गया, साथ ही साथ बाकी आपने जो 3 घंटे अपना प्रिपरेशन करना वो किया और साथ में हिस्ट्री की आंसर राइटिंग करते हुए चले। जिस दिन हॉस्टल वार्डन का एग्जाम होगा आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसका कोई अगला एग्जाम आएगा हिस्ट्री के बाद हम दूसरे सब्जेक्ट में आ जाएंगे। मतलब आपका दो सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो गया, तो प्लानिंग भी उसके हिसाब से सोच के करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको अच्छा समझना कि किस तरीके से ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है वो आपको हेल्प कर रहा होगा। तो अगर इसको बैलेंस करना है, जैसे श्रद्धा ने पूछा, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप पहले, ये 2 ईयर्स से ज़्यादा हो चुका है आपको, है ना, तो आप कर सकते हो, बट आपको बैलेंस करना होगा। फिर अवॉइड नहीं करना, दूसरा मस्ती कम, मस्ती नहीं होनी चाहिए प्रॉपर, आपको डेडिकेटेड कुछ नहीं है, मैं सीधा बता रहा हूँ कुछ भी नहीं है। आज से केवल आपको नेक्स्ट 365 दिन, और उसको भी कम कर लो, अब तो और कम हो गया, केवल अगले 230 से 40 दिन बचे होंगे, केवल आपको ना 230 40 दिन पूरी ईमानदारी से बैठना है, उसके बाद नहीं बैठना पड़ेगा, आपका सब चीज़ सही हो जाएगा। 240 डेज ऑफ डिसिप्लिन चाहिए हमें इसमें, ये मतलब ये नहीं कि मस्ती नहीं करोगे, करोगे थोड़ा बहुत, लेकिन आपका जो प्रायोरिटी है वो आपके आँख में पहले होना चाहिए, बाकी चीज़ें सेकेंडरी होनी चाहिए, ठीक है, फिर चीज़ें हो जाएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर क्लियर हुआ। तो क्लियर, आप तो एकदम नहीं सोचना, मैं फॉर्म फाड़ दूंगा आपका घर आके, बिल्कुल नहीं, एडमिट कार्ड में रोड में छीन लूंगा आपसे, जाने ही नहीं देने, क्योंकि 4 दिन हुआ है प्रिपरेशन का आपको। लर्न बेसिक टू बिगर गाइड मी, क्या गाइड करना है सर, मैं जॉब के साथ ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। हाँ, आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं डेफिनेटली, जॉब के साथ साथ मेरे को थोड़ा सा देखो, जॉब अगला वही है क्या, व्हाट इज़ प्लान, प्लान मैं जो प्लान को अभी लास्ट बताता हूँ, री आंसर राइटिंग इसको भी उसी में इंक्लूड कर दूंगा, कर सकते हैं बिल्कुल, है ना, पर उसको कैसे करना है वो समझाऊंगा। जॉब प्लस मीन्स, तो जॉब के साथ साथ कैसे प्रिपरेशन करना है उनके बारे में बात करें, जॉब एंड प्रिपरेशन, ठीक है। अब ये कंसीडर करते हैं कि एक बेसिक इंडिया में जो जॉब की टाइमिंग होती है 8 आवर्स, 8 से 9 घंटे की जॉब है, और इसके साथ साथ आपको पीएससी की तैयारी करनी है। तो पहला सवाल उठता है कि पीएससी की तैयारी क्यों करनी है, क्यों, क्योंकि जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, और क्या, जॉब में एकदम खुश है तो क्यों कर रहे हो तैयारी। तो पहला तो यही होगा कि नहीं, या तो हम कुछ लार्जर चेंज लाना चाहते हैं समाज में, कोई नहीं चाहता ऐसा, पहले खुद के जीवन में हम परिवर्तन चाहते हैं फिर समाज में करेंगे, सच्चाई है ये ना। तो पहली बात है, मतलब आपको इस जॉब से इधर इसलिए आना है क्योंकि आप यहाँ पर उतने ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो। फिर आप उसके बाद बोलोगे कि पीएससी में प्रिपरेशन आने के बाद कि यार मेरे जेब में पैसा नहीं बचा, हाँ तो काहे छोड़े थे, लड़ो ना, ठीक है, पहला चीज़ बोलूँगा। खैर एनीवे, जो भी है उसको देखते हैं, अब आते हैं प्रिपरेशन पे, इधर पीएससी और प्लस पे। तो जब आपको पता है कि जॉब को आपको छोड़ना ही है, तो इसमें ईमानदारी छोड़ दो पहले, थोड़ा सा ईमानदार कम बनो, ईमानदार कम बनो, मतलब अगर आपका मंडे टू फ्राइडे जॉब है, सैटरडे अगर आपको हाफ डे है, तो बेवजह का फुल डे नहीं करना, फर्स्ट थिंग। जॉब वालों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे बड़ा उनका सॉल्यूशन एक है, मैं बता रहा हूँ, आइसोलेट योरसेल्फ विथ योर ऑफिस कलीग, ऑफिस कलीग, जो आपके ऑफिस के दोस्त हैं उनसे आप अपने आप को अलग कर लीजिए, एंड जॉइन विथ एस्पिरेंट्स, फिर समझ आएगा जिंदगी क्या है। ऑफिस के कलीग पैसे कमा रहे होंगे, पार्टी करा रहे होंगे, पीएससी वाला बोले बहुत गरीब हूं लेकिन ज्ञान वो दे रहा होगा, ये मजेदार है। जो पढ़ रहा है, जो एस्पिरेंट है, बहुत नॉलेज है लेकिन जॉब नहीं कर रहा है, जो जॉब कर रहा है कुछ नॉलेज नहीं है पर पैसे कमा रहा है, एकदम ऐसा है। पर जिस दिन ये जॉब नहीं कर रही है, अचानक से जॉब पाता तो बहुत ऊपर चला जाता है, पर ऑफिस वाला कंसिस्टेंटली वहीं रहता है, कंसिस्टेंटली वहीं रहेगा, उसका ग्रोथ वो नहीं होगा, इनका ग्रोथ 4-फोल्ड होगा। इनका जॉब कर रहे थे 10 साल तक, 10 ईयर्स का जॉब एक्सपीरियंस है, सीधा लग गया, बन गया क्या, डिप्टी कलेक्टर, ले सारे प्रमोशन के ऊपर आ गए। अगले दिन आप अपने ऑफिस में बुला रहे हो, आओ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो आओ मेरे पास, तो वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब ये होगा कि इससे जब आप अपने आप को आइसोलेट करोगे, देखो जॉब वालों का सबसे पहले क्या है, उनके लिए आता है टाइम मैनेजमेंट, आप लोगों का सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट है टाइम मैनेजमेंट, जिसमें फ्राइडे को आप लोगों के ऑफिस वाले क्या करते हैं, पार्टी कराते हैं,
फ्राइडे या सैटरडे को ऑफिस के फ्रेंड या ऑफिस के टीम जो होती है पार्टी कराती है, ऐसी किसी भी पार्टी में नहीं जाना है। पहला फर्स्ट थिंग खत्म कर लो, क्यों? क्योंकि वही दिन है आपके पास पढ़ने का। वीक में आपको दो दिन या एक दिन छुट्टी मिलती है लगभग, तो 24 आवर्स जो मिल रहा है उसको तो आप पूरा का पूरा यूज़ करो अच्छे से। तो सपोज़ करो संडे, तो संडे आपका फुल डे प्रिपरेशन। ये मत बोला सर एग्जॉस्ट हो जाएंगे, थक जाएंगे, फिर कहे सोच रहे हो। और जब ऑफिस जाने लगते हैं तो इतना डिसिप्लिन आ जाता है, इतने मेहनती हो जाते हैं कि वो कर लेते हैं, वो ड्राइव हो जाते हैं, क्योंकि उनको रोज़ का वो आदत है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात, अगर ऑफिस 8 घंटे की है तो 8.5 घंटे से ज़्यादा आपको ऑफिस में नहीं लगनी चाहिए, ऑफिस से घर आने में। बेंगलोर में रहते हैं चलो 10 घंटे, क्योंकि 2 घंटे का ट्रैवल है उन लोग का, बेचारे लोग का, ठीक है। लेकिन आप जो ऑफिस का कवर है उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा बैठकर ऑफिस में एक्स्ट्रा पॉइंट ना क्रिएट करें कि आपको अगले बार प्रमोशन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जॉब छोड़ने का सोच रहे हैं, तो प्रमोशन से ज़्यादा जॉब छोड़ने का। दूसरी बात, आप अपने पहले तो एक चीज़ को ये करोगे कि आइसोलेट करना है। दूसरी बात, ये संडे फ्राइडे का जो दिन है इसको यूटिलाइज़ करना स्टार्ट करिए, यूटिलाइज़ करिए डेली बेसिस पे। डेली बेसिस में ट्राई टू हैव अराउंड 5 to 6 आवर्स, 5 से 6 घंटे निकालने का प्रयास करें डेली बेसिस में। उसमें से 1 घंटे आप ऑफिस में भी निकाल सकते हैं, या तो टोटल मिला के 5 घंटे निकालने का कोशिश करो, जहाँ पर आप क्लास कर रहे हो और क्लास के साथ साथ चीज़ों को पढ़ते हुए चल रहे हो। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर कोशिश ये करेंगे, सपोज करते हैं, देखो ऑनलाइन में ये होता है, जैसे हमारे पास कर रहे हो तो हम लोगों को क्या हो रहा है, एक दिन में 3 क्लास हो रही है, पर आपके पास तीनों क्लास को करने का उतना समय नहीं है। तो आप क्या करो, एक सब्जेक्ट को, किसी भी एक सब्जेक्ट को डिसिप्लिन वे में करो, मतलब हमारे साथ साथ कवर करो 2 घंटे, और बचा हुआ जो दूसरा सब्जेक्ट्स है, दो सब्जेक्ट हैं, इसको आप अपने टाइम के हिसाब से मैनेज करो, किसको आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा और उसको फिर संडे को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो उस तरीके से आपका कवर होगा जितने भी ऑनलाइन है, ठीक है। तो पहली बात, इस चीज़ों को ध्यान रख लेना फ्राइडे। दूसरा, आपका जो संडे है फुल डे यूज़ करो, इन एक्सपीरियंस के साथ जुड़ो ताकि ये लोग आपको अच्छे से गाइड कर पाएँ। और उसके बाद आज ही जब पीएससी का प्रिपरेशन सोचो, तो डे 1 आज ही मान लो, और डे 1 पे पहले अपना इस पूरे साल का ईयर की जितनी भी छुट्टी है काउंट कर लो, काउंट योर हॉलीडेज, क्योंकि हर ऑफिस में छुट्टी तो मिलती ही है, अगर वो 15 हो 17 हो 18 हो 19 हो जितना भी हो। उसके बाद आपका हेल्थ का जो होता है मेडिकल लीव, ये सबको काउंट कर लो कितना हो सकता है, जो भी मैक्सिमम हो सकता है, अगर 100 डेज हो सकता है, 50 डेज हो सकता है, इसको एग्ज़ाम के पहले आज से ही अप्लाई कर दो, एग्ज़ाम से 50 दिन पहले आज से ही अप्लाई करके रख दो। प्री के लिए कम से कम 15 से 20 दिन और मेंस के लिए लगभग 1 महीना इसको अप्लाई कर देना, ठीक है। 20 डेज प्रीलिम्स के लिए 3 वीक्स का लीव डाल दो, और मेंस के लिए 1 मंथ का लीव डाल दो, कम से कम 1 मंथ या 45 डेज का। मेंस के टाइम पे लड़ जाना लेकिन ऑफिस नहीं जाना, करना पड़ेगा। अगर आप सच में चाहते हो कि आपको जॉब के साथ प्रिपरेशन करना है, तो आपको पहले अपने ऑफिस से थोड़ी सी बगावत करनी पड़ेगी, रहते हुए नहीं। अब बोलोगे नहीं, यहाँ पर ऐसा होगा कि नहीं, हम 8 घंटे ऑफिस भी जाएंगे, वहाँ पर अपने रिलेशनशिप भी मैनेज करना है, हमको प्रमोशन भी चाहिए, बॉस की चुगली भी करनी है, और फिर प्रिपरेशन भी करना है, तो नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं, ना उनके पास कोई बॉस है, ना कोई चुगली करने के लिए है, 4 कपड़े बेचारे के पास उसी को धो धो के रोज़ पहन रहे हैं, ना उनका कोई पार्टी होता है, और जो पार्टी होता है वो बहुत छोटा सा होता है, पूरे संघर्ष कर रहे हैं छोटे से कमरे पे, और वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उतना कॉम्प्रोमाइज़ वो कर रहे हैं, तो उनको बड़ा लाइफ मिलेगा आगे चलकर। तो सेम चीज़ आपको भी करना होगा। तो जॉब के साथ कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट, और जो भी जॉब कर रहे हैं प्लीज़ अपने टाइम का, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा ऑफिस से, कि आपके जॉब के टाइम क्या है, कितने ड्यूरेशन की, तो वो बताएंगे, उसके हिसाब से एक प्लान बना के दे देंगे कि डेली बेसिस में कितनी पढ़ाई करनी है। पर अगर इतना भी निकाल पा रहे हो सफिशिएंट है वो, 5 to 6 आवर्स भी अ डे निकाल रहे हो, 5 to 6 आवर्स अ डे, और कोशिश करोगे कि वीकेंड्स पे कम से कम 2 दिन, 2 डेज इन अ वीकेंड, 10 to 12 आवर्स, अगर इतने घंटे में निकाल रहे हो तो पीएससी की तैयारी हो सकती है, फिर एग्ज़ाम के टाइम पे छुट्टी ले लेना, इतना कर सकते हैं, है ना। तो ये तो है जॉब वालों के लिए। तो उसके बाद आता है, और प्लान मैं बनाकर दे दूँगा, प्री प्लस मेंस, और ये जो री आंसर राइटिंग, पहले तो री आंसर राइटिंग पर बात कर लेते हैं कि क्या री आंसर राइटिंग जो है उसको री करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो, इट इज़ टोटली योर कॉल कि आप करना चाहते हो कि नहीं, पर अभी जो आंसर राइटिंग का प्रोग्राम करने वाले हैं और जो इसके पहले हुआ है, दोनों में बहुत फ़र्क है। फ़र्क कैसे है? क्योंकि वहाँ पर हमारे पास केवल 54 क्लासेस थे वहाँ पर, और यहाँ पर 105 क्लासेस होंगे, यहाँ पर लगभग 105 क्लासेस हैं, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और ज़्यादा होगा।
कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिसको और वहाँ पर ज़्यादा मैं पढ़ा सकता हूँ। प्लस पिछले साल जितने चीज़ें थी वो उस ईयर के हिसाब से कर रहे थे, अभी एक नया पेपर आएगा इसके हिसाब से फिर से रीमोल्ड करेंगे कि कैसा वो पेपर आया उसके हिसाब से एक नए तरीके से चलेंगे। दूसरी बात, फिर से करने पे अब दो से तीन चीज़ें हैं, तो पहला एक चीज़ हो जाता है कि फिर अगेन क्या होगा, 2 आवर्स डेली आप आंसर राइटिंग करोगे तो डिसिप्लिन आपका वो बना रहेगा जो बना हुआ है। इस टाइम पे आप ज़्यादा आंसर्स लिख पाओगे। देखो पिछले बार फटाफट लिख रहे थे डेली बेसिस में, किसी भी हालत में जाके कोशिश करते थे। अब आपने क्या किया होगा, जो पिछले बार किया आंसर राइटिंग उसमें कम से कम 50% आंसर लिख लिए, 50% बचा हुआ है। अब जब यहाँ करोगे तो वो क्वेश्चन फिर से जब आएगा तो जो क्वेश्चन आपने आंसर लिखा उसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि मैंने आंसर लिखा था वो गलत हुआ कि नहीं, अगर सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो। दूसरी बात, जितना लिखा उसको आप चेक करा सकते हो और जो आगे जो बच रहा है पोर्शन उस पोर्शन को लिखने पे और ज़्यादा फोकस कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से देखो, अब मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा करना चाहिए, क्यों, क्योंकि पूरा साल आपका डिसिप्लिन वे में जाएगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से 105 क्लास में एंगेज होकर आप अच्छे से कर पाओगे। दूसरी बात, कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जो आपने पढ़ लिया है मेरे से, उसको आप रिवाइज़ कर रहे हो मेरे साथ, इसका मतलब और क्या, रिवाइज़ ही कर रहे हो, तो वो आपका बहुत अच्छे लेवल पे कंसोलिडेट हो जाएगा, उसका कंसोलिडेशन खुद ब खुद हो जाएगा। तो अगर आप कर सकते हो, आपको लग रहा है तो आप करिए, नहीं लग रहा है तो कोई ऐसा कोई प्रायो नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि करना ही है, ठीक है। बट उसमें यह होगा कि पिछले बार जब हमको कर रहे थे हम बहुत फास्ट भी थे, फास्ट इसलिए भी होना पड़ता है कि वो 54-55 क्लासेस के अंदर कवर करना होता है, तो वहाँ थोड़ा फास्ट होना पड़ता है, यहाँ पर हमको समय मिलेगा। पिछले बार आप एक ही हफ्ते में एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, इंडिया, छत्तीसगढ़ सब कवर कर रहे हो, यहाँ पर आपको प्रॉपर 14 डेज मिल रहा है उसके लिए टाइम, तो आप ज़्यादा एंगेज होकर टॉपिक को ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख सकते हो, समझ सकते हो और उसको कवर कर सकते हो, समझ आ रहा है। तो उसमें आप वहाँ पर आ सकते हैं। सर टाइम प्रेशर बहुत हो रहा है, उसको हैंडल नहीं कर पाने के से पूरा साल भर की मेहनत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाता, इसलिए कुछ गाइड करें। ठीक है, आप अपना टाइम मेरे को बता देंगे, मैं आपको अलग से व्हाट्सअप नंबर लेकर मेरा ऑफिस से, ठीक है, यहाँ पर मैं अपना ऑफिस का नंबर लिख रहा हूँ, तो मेरा पर्सनल नंबर ले लीजिएगा 9179470509, ये ऑफिस का नंबर है, ऑफिस पे आप मेरा पर्सनल नंबर ले लेंगे, मैं आपको बता दूंगा जो भी है, ओके, क्योंकि नाम आपने लिखा नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उस केसेस में आप ज़रूर करो, अगर आपने उस समय आंसर सही से नहीं लिखा है और अभी भी आपको उसमें डाउट है बहुत सारी चीज़ें। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर वे में आपका फिर से रिवीजन हो जाए, एक अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए, फिर कंटिन्यूसली टेस्ट के साथ क्या होगा, अभी वही हुआ कि आप जो अभी जब किए, इसके पहले वो किए तो आप जो उसके पहले आंसर राइटिंग नहीं किए, जो फर्स्ट टाइम आंसर राइटिंग किए उन्होंने अपना कंटेंट बनाया है एक्चुअल में, अभी आपने कंटेंट बनाने में काम किया था, तो फिर से इधर कंटेंट बनते हुए टेस्ट के साथ और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ऐसे लोग बच्चे रहे हैं जो 2 से 3 बार भी किए हैं, क्योंकि मेन एम क्या था, एग्ज़ाम निकलना, तो एग्ज़ाम किसी भी हालत में निकलना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसमें कि हमें कितने बार करना है कितने नहीं करना है, दैट वुड बी योर कॉल फ्रॉम माय साइड, आपको करना चाहिए ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको और अच्छे से रिवाइज़ कर पाओ। पर कोई बात नहीं, वो नहीं भी करो तो टेस्ट तो आप अच्छे से दो, अगर आपका मन है कि नहीं नहीं करेंगे तो आप टेस्ट तो कम से कम अच्छे से दो, पूरी ईमानदारी से टेस्ट दीजिए और जितने क्वेश्चन कराए थे उसके आंसर्स आप लिखिए, उसको आके चेक करवाइए, ठीक है। या तो दूसरा काम हो सकता है कि आप ज्वाइन करो और फिर से उसको स्टार्ट करो और एक स्लो पेस में 4 से 6 महीने जाना है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं, इस 6 मंथ के अंदर कवर हो जाएगा। फिर आपके अंदर वो नहीं रहेगा कि नहीं यार मैं जून तक तो यहाँ से अपने नवंबर तक तो गए, फिर क्या अगले बार फिर जब मेंस आएगा तो समय फिर 50 डेज, वहाँ पे मत करो, अभी कर लो जो करना है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी समय दिए हो और अभी काफ़ी अच्छा पढ़ रहे थे, पिछले 4 महीने अच्छे से पढ़ कर आए हो, तो मेरे ख्याल से 6 महीने और खींचो अपने आप को और पढ़ लो, जब मेंस आएगा उस टाइम में उस समय केवल टेस्ट लिखते हुए अपने आप को आगे ले जाना, जो है अभी प्रिपरेशन कर लो। जितने लोग क्लासेस किए थे उनके बारे में बात करो, ठीक है। तो री राइट अगर आपको करना है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, मेरे तरफ से तो बिल्कुल होगा कि आप आइए और करो, नहीं भी कर रहे हो तो जितना किया उसको एटलीस्ट अच्छे से कवर करना और टेस्ट ज़रूर कर लेना, ठीक है। बट अगर री करने से वो फ़ायदा मिलेगा आपको, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि आप पिछली बार फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे, कुछ सब्जेक्ट आपके दिमाग से निकल गया, उसके बाद अब धीरे धीरे उसमें क्या हुए फेमिलियर होने लगे, तो वो सारी चीज़ें ना कंसोलिडेशन हो जाएगी, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, तो वो काम मैं यहाँ पर आपको करके दूंगा, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो।